तो लुलू भाईजा इज बैक। स्वागत है आपका एक और पबजी दी कस्टम रूम वाला मोबाइल वाला में विथ ये बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सस्ता वाला कमेंट्री के साथ। तो लुलू भैया ओपी, लुलू भैया डीपी, लुलू भैया एकेएम। तो चलिए अपना बकेती बंद करते हैं। और आज थोड़ा कस्टम रूम में थोड़ा गड़बड़ा गया था क्योंकि दूदू को कस्टम रूम हो गया था, तो पहला वाला कस्टम रूम में थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसलिए दूसरा कस्टम रूम बना। और दूसरा कस्टम रूम में इसे बना तो कोई ज्वाइन ही नहीं किया, तो पहला कस्टम रूम में सारा लोग खेल रहा है। और अभी दूसरा कस्टम रूम में ये दोनों कस्टम रूम एक साथ स्टार्ट हो गया, तो आधा प्लेयर उधर चल गया, आधा प्लेयर उधर चल गया, तो कोई एक कस्टम को रिकॉर्ड कर सकते थे, इसलिए हम ई कस्टम रूम में आ गए। ठीक है, और बाकी वो कस्टम रूम में हम घुस ही नहीं पाए, तो गड़बड़ होते रहता है। हड़बड़ में थोड़ा गड़बड़ हो गया, मिला ठोरी बेस में एक सकवाड़ आया, नीचे भी एक डुबो उतरा है, चहा वाला अच्छा ठगवा। और यहाँ चिट्टू कुमार गरगरवा जो भी है, रॉ सौरभ। आज ज़्यादातर बंदा पूरा स्क्वाड में नहीं दिखेगा आप लोगों को, कम से कम दो गो होगा, कोई तीन गो, कोई एक गो भी हो सकता है। स्क्वाड थोड़ा मुश्किल है देखना, तो वही देख रहे हैं कि हर जगह देखिए पोचिंकी में जा रहा है जोकर वाला टीम, और यहाँ रैंडम गणेश वाला टीम जा रहे हैं रिजोन की ओर, अपना मुख मोड़ लिए। और अलकायदा वाला टीम लगता है पहला वाला कस्टम रूम में घुसल है, इसलिए वो लोग फ्रीजोन में नहीं उतर। बगले में सस्ता वाला डेडी अमराज कूद रहा है, अपना देखिए महंगा महंगा कपड़ा उठा के आए हैं सस्ता डेडी अमराज, और उसका साथ में हाइड्रा जोकर वाला पूरा की लाइन। और यहाँ पर अजीज खान वाला टीम सेल्टोर में उतरी है। और एक बात हम आपको बताएंगे कि हमारे चैनल पर एक मूवी रिलीज होने वाला था जो कि हो चुका है, तो जाइए मूवी को देखिए, आई बटन में उसका लिंक होगा, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, जाइए और थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, और मज़ा आएगा तो शेयर कीजिएगा। अगर मूवी पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, शेयर नहीं करेंगे तो पाप चढ़ेगा, लाइक नहीं करेंगे तो पूरा पाप चढ़ेगा, तो कोई पुण्य का काम कीजिए। या डेड वेनम वाला टीम पचुंकी उतरा है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्लैश में उसके टीम में, और रॉरी सी एम एस की तरफ पचुंकी गणेश डाउन किया हाइड्रा जोकर को, और पीछे से सी ओ टू फ्लैश को धुप मार के थप्पा मार दिए हैं सुसाइड हंटर शॉट गन से, और पिस्टौले से लपेटने का पूरा कोशिश दिखाए हैं, पिस्टौलों से लपेटो लिए हैं पीछे से आगे, हमको पता नहीं चला कार्बन डाइऑक्साइड फ्लैश को शायद अंदर कैम छा करके थे। मास्टर रवि वाला टीम भी इधर ही है, और डेड फेनोम वाला टीम इधर है, रॉ सोनू को डाउन कर दिया गैंगस्टर आसू, और रॉ टॉक्सिक रॉरीसी फिलहाल के पास, उनके पास दी स्कॉर्पियन दी महंगा सा सस्ता वेपन है, और रॉ सोनू को रिवाइव मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और गैंगस्टर तो अगर आ जाते हैं तो गैंगस्टर उधर रॉ टॉक्सिक को डाउन करके बेटी बनाने का चाहें जरूर, उनका भी डाउन है, रवि डाउन है, मास्टर डाउन है, गैंगस्टर्स का हेल्थ बहुत ही कम, शैडो एडिट का हेल्थ पूरा है, तो शैडो एडिट चाहे तो उधर एफ सी सुमित डाउन पड़ा ले लीजिए, एफ सी मामा डाउन किए हैं, सॉलिड किलर तो नहीं बहुत ही कम, इट जोकर खड़ा होकर मैं कहा कर रहे हैं मोटा कर तुम कहा बतिया रहे थे, उधर एफ सी मामा का भी पेटी बन गया, इट जोकर इधर डाउन है, और डेड बना बहुत कम हेल्थ में कूद गए, सॉलिड किलर को पकड़ के लपेट लिए, पूरा पेटी बनाएंगे बिल्कुल बनाएंगे क्योंकि उनका टीममेट है नहीं, और इट जोकर को रे पेला जा रहा है क्योंकि सी ओ टू फ्लैश का पेटी बन गया था, देख रहे रॉ रिसी वाला टीम का फेची बन गया है, और फेची फेची वाला खेल पूरा दिखा रहे हैं, बॉब हंट वाला टीम इधर आ रहा, भगवान छोरा पीछे जा रहे हैं, तो डेड वेनम वाला टीम के सामने बहुत ही क्लोज, और भगवा छोरा का हेल्थ बहुत ही ज़्यादा है अभी, और बॉब हंट का भी पूरा हेल्थ है, डेड वेनम जोकर का हेल्थ बहुत ही कम, और एक लड्डू फेंका जाएगा तो लड्डू के साथ साथ फेची बन सकता है एक जोकर वाला और डेड वेनम का, तो देखते उधर देख रहे रैंडम बिक्की टपा टप करके रवानी किला था, लड्डू फेंके हैं पाद के एकदम खतरनाक वाला, और टकरा के उधर ही चल गया, तो टकरा के उधर चल गया, तो बहुत सस्ता लड्डू फेंके जो कि लड्डू उनके पास पहुंचा तक नहीं, तो ज़्यादा जब प्लेयर ज्वाइन उधर आर डी एक्स डेथ विज डाउन, सुमित उधर डी एस डेमोन को डाउन किए, तो सुमित खड़ा हो गए अपने पैर पर, और सस्ता वाला डेडी अमराज डाउन कर डाउन हो गए, रैंडम गणेश बना दिए, तो डेडी अमराज
उधर घुस गए और अपना फेटी बनवा लिए, तो फेटी फेटी का पूरा खेला दिखा रहे हैं। उधर एफसी भाइपर वाला टीम पूरा रा पारा पेले जा रहा है, बैड बॉय को पेल दिए। उधर डीएस मर्सी एफसी वाइपर को पेल दिए, मतलब एक घोड़ी बनाए हैं। लेकिन एफसी सुमित भी लीजिए डाउन पड़ गए हैं, और यहाँ पर अब थोड़ा एफसी वाला टीम के लिए मुश्किल दी, बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन आ गया, क्योंकि भाइपर डाउन है, सुमित डाउन है, उनका टीममेट लोग कहाँ पर है, पहले ही देख लो कि उनका टीम कहाँ पर है, उनका टीम को खोजने का हम नाकाम कोशिश कर जरूर रहे हैं। उधर देख रहे एफसी सुमित, अब बाबूराव बीएस मर्सी का पेटी बना दिया, तो बाबूराव भी जिंदा है, भी जीवित है, तो जब तक बाबूराव जीवित है तब तक एफसी सुमित का कमर जिंदा है भी, तो अभी एफसी सुमित को आराम से रिवाइव पेला जा रहा है। मतलब लगता है अच्छा लॉटरी बेस में यही लौंडा लोग आए थे, तो आराम से अब रिवाइव का पूरा खेला दिखा देगा, क्योंकि यहाँ वाला टीम को पूरा पकड़ के पीछे बना दिया गया। तो बाबूराव ओपी इन द चैट जरूर लिखें, और बाबूराव अपने टीम को बचा लिए, और एड जोकर भाग लिए वहाँ से, जेड बेनोम भी भाग लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत कुत्ता वाला फाइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा कुत्ता वाला फाइट हो रहा है, तो कुत्ता वाला फाइट में अगर कुतिया बन जाएंगे तो फिर घोड़ी बन जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और बॉब हंट वाला टीम है यहाँ पर, और भगवा छोरा है यहाँ पर, और सामने है रवि और मास्टर वाला टीम, जिसमें तीन तीन गो जिंदा, चारों जिंदा है। मास्टर लेफ्ट से आ गए, भगवा छोरा को स्पॉट कर लिए, भगवा छोरा पर स्प्रे आया, भगवा छोरा कुछ नहीं कर पाए, भगवा छोरा डाउन, बॉब हंट कुछ नहीं कर पाए, उनके सामने डाउन पड़ा ले। लेकिन अब चार गो बंदा का रस आएगा, शैडो विद गैंगस्टर को सब रस मार रहा है, बगल से मास्टर चढ़ भी गए, मास्टर पीछे हैं और मास्टर पकड़ गया, लपेटो लिए हैं, हेडफोन नहीं लगाने का बुरा नतीजा देखने को मिला है साफ साफ। उधर एफ से आरजे वाला टीम जो है वो यासनादी पनीर लाना में पनीर पकौड़ा खा रहा है, और शायद अली को अभी गिली गिली छू का सेवन करने मिल गया, और गिली गिली छू पहन लिया था, पीपी बाय जोन से वहाँ नॉक नॉक चल रहा है, तो कहाँ नॉक नॉक चल रहा है, यहाँ चिट्टू कुमार वाला टीम है, सामने ही तो एक टीम वर्सेस सामने एक और टीम, और सामने वाला टीम में एक डाउन है, एंग्री बर्ड डाउन है, और इधर का टीम उनका फेची बनाएंगे, क्योंकि काले, अरे अच्छा तीन तीन नहीं दो दो का स्क्वाड है यहाँ पर। काले टीम अपने टीममेट को बचाने का कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन सामने तो उनसे बचाना मुश्किल भी असंभव तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर है। स्प्रे पड़ा काले केम को, काले केम का बॉडी दिख रहा है, स्पॉट कर सकते हैं उनका टीममेट एंग्री बर्ड डाउन। इधर काले केम का पेटी बनना चाहता है, अभी तो नहीं है, लेकिन काले केम का जो हेल्थ सूखा है, इतना ज़्यादा सूख गया है, जो खुद सूख गए हैं, उनका मिजाज पूरा सूख गया है। इधर सनंत नांग जो भी है उनका फेची बनाने के लिए एंग्री बर्ड का जा रहे हैं, और यार लेफ्ट फ्लैंक मारे गजब का स्प्रे मारे एक एम, और गजब का काले केम नाम भी है काले केम, और एक एम से काले केम बन गया, और 2x से स्प्रे मार जरूर है, लेकिन बेचारा का हेल्थ नहीं था, अगर हेल्थ रहता तो कसम खा के बोल रहे हैं कि चिट्टू कुमार यादव का चुटचुटा जरूर देते, बहुत बढ़िया कह रहे थे काले केम, लेकिन अफसोस हमारे साथ काले एक एम जीवित नहीं। और यहाँ टाइम पास वाला स्क्वाड वाला टीम के सामने एक और टीम है, टाइम पास है तो कैच कर रहे, टाइम पास स्प्रे मार जरूर रहे हैं, और साइड डाउन भी किए हैं YB को, और यहाँ पर डुओ वाला टीम है, और डुओ वाला टीम में सामने टाइम पास का स्क्वाड है, टाइम पास का स्क्वाड में डेट क्रैकन 2 एप से RJ वगैरह वगैरह है, तो देखते हैं कि क्या खेला दिखाते हैं इन लोग भी। यासनाएं में दो गो इन लोग का टीममेट है, तो 2v4 करेंगे या फिर 4v2 का शिकार होंगे, ये तो बखत बताएगा, खेला बताएगा, दी समय बताएगा, दी टाइम बताएगा, दी काल बताएगा, बहुत ही ज़्यादा पर्यायवाची बोल दिए हमको हिंदी टीचर के लिए, अब जल्दी आ जाएगा मैसेज कि आइए हमारा स्कूल में। और यहाँ पर प्रिजॉन में दो गो टीम है, यहाँ पर दो गो टीम है, एक वो है अजीज खान वाला, और यहाँ पर देख रहे हैं कि सामने कैस्टर वाला टीम रस मार दिया, ग्रेनेड मॉली पूरा खींच के फेंका जा रहा है, लड्डू पे लड्डू, लेकिन अभी भी ड्रैगन का हेल्थ बहुत ही कम, लेकिन अब ड्रैगन अपना हेल्थ बढ़ा लिया, अब एक करके अगर रस मारते हैं तो शायद दिक्कतदायी हो सकता था, रैंडम गने कारण से टपाटप करके मतलब स्प्रे मार के इधर डाउन कर दिए, मॉली डाला गया है जला के फेंक दिया गया है स्नैम में। और बात करें गैंडर रैंडम गनेस का, तो रैंडम गन का हेल्थ बहुत ही कम, रैंडम विक्की का हेल्थ अभी पूरा फुल है, रैंडम सर और रैंडम गनीस को MK14 से डाउन कर दिए हैं JD, तो JD का महंगा स्प्रे आया, गजबे का यहाँ से स्प्रे मारे MK से, बहुत बढ़िया दिखा यहाँ पर खेला। अब यहाँ पर रैंडम वाला टीम थोड़ा प्रेशर में आ गया होगा, थोड़ा सा पिन किया गया है, और दुद्दू को उनका टीम
और अभी तक इनको लोकेशन पता नहीं। रैंडम गन विक्की जब कम मारे पैनिक आ गए होंगे, लेकिन रैंडम विक्की खुद डाउन है, क्लोज रेंज में तो नहीं ये कर पाएंगे। और रैंडम विक्की वाला है, रैंडम गणेश वाला सिकॉर्ड वाइप हो गया है, और अजीज खान वाला टीम यहाँ पर जिंदा है, जीवित है। और देख रहे हैं यहाँ पर एफ सी आर जी वाला टीम रस करने का पूरा प्लानिंग बिठा चुका है, तो क्या रस मारते हैं? अभी तक तब से रस से नहीं हुआ, तब से घर के नीचे बैठे हुए हैं, गोला बारूद फेंका जा रहा है पास पास के, लेकिन अभी तक रस नहीं किए। तो देखते हैं कि कब तक रस आता है, ई जीवन में आएगा कि नहीं, ई युग में आएगा कि नहीं। और बन गया है, और ये देख रहे हैं और देखिए टाइम पास का भी पीटी बन गया जरूर। और इसी के साथ एफ से आर जे वाला टीम वाइप हो गया, तो 2v4 हो गया, 4v2 का शिकार तो नहीं हुआ, लेकिन अपना गलती दिलूर लक्षण की वजह से एफ से आर जे वाला टीम फेठी बन चुका है। तो फेठी फेठी का खेला यहाँ देखने को मिला, बहुत गंदा, और दिमाग लगाया नया टीम है लो डुबो वाला, तो ठीक ठाक अच्छा दिमाग लगाया और मौली नेड किया, जिसके कारण से इन लोग का फेठी बनते बनते रह गया, और इन लोग ने टाइम पास वाला स्क्वाड का फेठी बना दिया। तो यहाँ पर देख रहे गाड़ी फोड़ के फेठी बना दिए डेड बना वाला टीम का, तो गाड़ी जो फोड़े हैं वो जरा दिए एकदम मार के, और डेड जोकर डेड जोकर और डेड वेनम का फेठी बन चुका है। मुबारक हो आपका पेज, जब तक हम कहीं और चलते। और देख रहे हैं महाकाल दीवाने डाउन पड़ा है रॉस, और अब उनको रिवाइव दे रहे हैं बग्गी, बग्गी पास है और हेल्थ बढ़ाएंगे। उस बगले में टीम है मास्टर वाला, और मास्टर वाला टीम सपोर्ट अगर मारता है तो पेज ही बनाता है, लेकिन मास्टर वाला टीम और हाँ सपोर्ट मार लिए, सपोर्ट मार के उनको डाउन भी कर दिए। और रॉस अब वन पास और गजब रॉस और डाउन किए, ओहो। लेकिन इधर देखने के रवि जो है फ्लैंक मार चुके हैं, सॉरी मास्टर जो है फ्लैंक मार लिए गाड़ियाँ लेके, और गाड़ियाँ लेके पीछे चल गए, पीछे सब सपरे मारा जाएगा मास्टर और पेची भी बन गया। तो इसी के साथ मास्टर वाला टीम दिमाग लगा के रॉस और वाला टीम को पेची बना दिया, लेकिन अगर सही जगह पर रहते हैं रॉस और तो शायद पेची नहीं बनता, लेकिन क्या कर सकते हैं खुला में थे, बहुत कम हेल्थ, बहुत कम गाड़ी का बेहेल्थ, बहुत कम दो चार को गोली, और मारता और बाबू राव पूरा किल चोरा लिया स्क्वाड का, बाबू राव पूरा स्क्वाड का किल चोरी कर लिए, गरिया जरूर रहे होंगे उनका टीममेट लोग, साला डैमेज दिए हम सबको और किल चोरा लिया बाबू राव। कोई बात नहीं, टीम का केले में खाता खाते में किल जोड़ाया है, तो टेंशन वाला कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी गरिया जरूर रहे होंगे, किल चोरी कर लिया मर्दे। अब मात्र 3 वो टीम बचा हुआ है, और गैंगस्टर यासनाया में जो क्लच मारे थे अब उनके ऊपर क्लच हो रहा है, ड्रैगन जी अकेले बचे हुए, ड्रैगन को भी सपोर्ट मार लिया है दूसरा टीम वाला, अब 2 वो टीम मिलके ड्रैगन वाला टीम का फेची बना दें। अब 2 ये वो टीम यहाँ पर जिंदा है, हाइड्रा अजीज और अजीज खान वाला, और सामने है मास्टर तीरवी वाला टीम। तो देखना है कि अब यहाँ पर होता कैसे है, 2 वो टीम ने अभी एमके से टुका जरूर रहे, यही एमके वाला ने जो कि, और गैंगस्टर सु भी डाउन अगर अभी रस कर खजब, अब एमके से अब अगर रस नहीं करते तो फिर जिंदगी भर पछतावा होगा। और रवि सिर्फ अकेले वहां पर सबको रिवाइव दे रहे हैं, और इधर भी एक थोड़ा डाउन है, लेकिन अब तक इनको रस कर देना चाहिए, क्योंकि जब 3-3 गॉड और डाउन है, इधर साबित चले गए हैं अपना साइड, अगर जाके उधर एक दो को लपेट लेते हैं तो फायदा में रहेगा। उधर देख रहे डैडी अभी भी पीछे से कवर फायर दे रहे हैं, टक 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 टुका टुका के हाइड्रा अजीज और अजाज खान तो बहुत ही क्लोज जा चुके हैं, और वही जाइए या क्लोज जाइए और पीछे बनाइए। और यहाँ पर अजीज खान का हेलमेट भी खोपड़ा नहीं है, सामने गैंगस्टर वाला अगर पूरा पूरा टीम अब खड़ा हो गया अपना पैर पर, तो अब जाइएगा तो आपका फेठी बनेगा। तो गैंगस्टर वाला टीम अब बदला लेने के लिए पूरी तरह से पूर्ण रूप से तैयार,
अब हम लोग का चानस है, देखते हैं कि अपना चानस दिखाते हैं कि फिर से पेठी बन जाता है रवि वाला टीम का, तो रवि वाला टीम देखते हैं क्या करते हैं। और यहाँ पर क्लोज रूम में आके सूत जरूर गए हैं पेचौन लेके, पीपी दी पेचौन। और गैंगस्टर्स वाला टीम अगर नेक्स्ट जोन में, अगर जोन में नहीं हुए तो दिक्कत होगा, अब जोन में जाना है तो जोन में जाने का दिक्कत बहुत बड़ा होगा, जोन बहुत छोटा हो चुका है। महाजट बोलूंगी उधर देख रहे हैं कि शायद उन लोग गाड़ियाँ लेकर पकड़ने का प्लान, जी हाँ गाड़ी लेकर पकड़ लें, एकदम सही डिसीजन है उन लोग का। अब उन लोग को डैडी वाला टीम खुला में है, ओपन में है, और गाड़ी है इन लोग के पास लेकिन जोन के बाहर है, लेकिन गाड़ी ले लेना चाहिए, अगर गाड़ी नहीं लेंगे तो फिर दिक्कत खड़ा हो सकता है डैडी वाला टीम के ऊपर, अजीज खान वाला टीम के ऊपर। अब जो शैडो एडिथ वाला टीम है अब पूरा फायदा उठाएगा इन लोग पर, क्योंकि इन लोग है जोन के बाहर। ओ भाई साहब एम की गर्दा चला रहे हैं, तो को डाउन कर दी फिर से एम के, सिर्फ डैडी डैडी बहुत बढ़िया एम के चला रहे, गजब कदम सुपर, मतलब टपा टप टपा टप टपा टप। अरे मास्टर का पेटी भी बना दिए यहाँ से, इतने बढ़िया खेल रहे। अजीत खान अभी भी जोन के बाहर, गैंगस्टर्स शैडो इसको रिवाइव दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो कब फाइट होगा इंटेंस वाला, कजबे का फाइट देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी रिवाइव रिवाइव का खेला चल रहा है। डैडी अभी स्मोक बिछा रहे, स्मोक बिछा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, शैडो का डैडी का हेल्थ बहुत कम कर दिए हैं। और जोन भी अगर आगे छूता है, पिछवाड़ा में हल्का सा टच भी करता है, तो वहाँ पर डाउन हो जाएंगे, क्योंकि जोन बहुत खतरनाक होता है। अजीत खान को रवि डाउन कर दिए अपना महंगा सफर से, और आज रवि खुद डाउन, शायद उनको डाउन कर दिए हैं, और शायद खुद भी डाउन कर लीजिए। डैडी का हेल्थ बहुत, डैडी कूल बन पाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। और फिलहाल अभी डैडी का हेल्थ अपना बढ़ा लिए, और डैडी बहुत बढ़िया एम के चला रहे, शैडो उदित को फिर से डाउन कर दिए, और देख रहे कि सामने दुद्दू को डाउन है उनका टीममेट, और उधर से भी दुद्दू को डाउन है, तो ये बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइट हो रहा है, गजबे का खेल दिखा रहे हैं इन लोग भी और उन लोग भी, बहुत बढ़िया ओपी मार रहे हैं, और शायद को डाउन कर दिए। अब दिक्कत हो सकता है कि उन लोग जोन में है, और यहाँ पर फेंसिंग लगा हुआ है, फेंसिंग के अंदर एंटर करना दिक्कत हो सकता है कोई भी टीम के लिए, अगर जिसके पास भी जोन नहीं हुआ तो ये फेंसिंग उसका आज भैया बहनी चार करके रहेगा। और गैंगस्टर्स और बोल रहे थे कि कस्टम रूम में इतना ज़्यादा इंटेंस फाइट नहीं देखने को मिला, लास्ट जो फाइट हुआ है दो टीम के बहुत लंबा चला, इतना लंबा फाइट अभी भी नहीं चला है लास्ट वाला टीम के बीच में, बहुत बढ़िया दोनों टीम अपना दिमाग ला के खेल रहे हैं, देखते हैं कौन सा टीम देता है। लड्डू फोड़ के टैडी बहुत बढ़िया आज खेला दिखा रहे हैं, चार भी खेल रहे हैंड्रा अजीज दो को डाउन कर दिए हैं, हाइड्रा अजीज खुद डाउन हो गए अपना नेट से दीजिए, और सिर्फ गैंगस्टर आंसू बचे हुए हैं, तो 1v1 का डैडी उनका पेटी बना सकते, तो डैडी के लिए थोड़ा दिक्कत हो, डैडी के लिए दिक्कत नहीं हो सकता, गैंगस्टर आंसू के लिए दिक्कत हो सकता है, डैडी के लिए भी दिक्कत है अगर उनको पेटी बना दिया और रिवाइव करने का मौका नहीं मिलेगा। गैंगस्टर आंसू वर्सेस डैडी, तो 1v1 अब सिर्फ नेड और मौली का खेल दिखेगा, अगर नेड कनेक्ट होता है किसी एक से भी तो पेटी बनाता है, और गैंगस्टर आंसू सामने ही है, 1v1 फाइट बहुत ज़्यादा, और गोजरा उठा लिए हैं, और एमके गोजरा क्लोज रेंज में तबाही वेपन है एकदम डैडी के पास, तो चाहे तो अगर क्लोज रेंज में फाइट होता है तो पेटी बना सकता है, मौली उठाए जरूर है, मौली का कनेक्ट होता है उनको फेंका जरूर गया, लेकिन मौली बाहर है और वो काफ़ी दूर है मौली से, तो दीवार यानी कि वॉल रोक दिया मौली को। गैंगस्टर्स बहुत बढ़िया खेले हैं, गैंगस्टर्स का 6 किल है, हर बार की तरह गैंगस्टर्स अपना टीम में शायद ज़्यादा किल किए हैं, गैंगस्टर्स अच्छा खेलते हैं, हम लोग देखें उनका गेम प्ले। और सामने ही जो टीम है वो डैडी वाला थोड़ा नया है, मतलब पहली बार कस्टम रूम में आए हैं, लेकिन बहुत बढ़िया खेला दिखा रहे हैं, इधर से लड्डू फेंकने को से अगर लड्डू कनेक्ट होता है तो मैच ख़त्म हो जाएगा, और गेमा ख़त्म हुआ ज़्यादा कनेक्ट गजब का किए हैं, ओहो भाई साहब गजब का कनेक्ट मारे हैं, नेट से इतना ज़्यादा हेल्थ सूख गया उनका कि 1 HP अब उनका फट के 464 हो रहा होगा, अब उनके पास अगर हेल्थ किट नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो सकता है। स्मोक भी कर रहे हैं कि स्मोक बना रहे हैं, क्योंकि अगर जोन नहीं रहता फिर दिक्कत, 6 किल उनका 5 किल, इधर 6 किल उसका 5 किल, तो दोनों बहुत बढ़िया खेले हैं, तो कोई भी सिचुएशन में दोनों हैंडल किए हैं अपना टीम को,
अपने टीम से अकेले बचे हुए, डैडी का हेल्थ बहुत ही कम लगता है, इनके पास हेल्थ किट नहीं है, तभी बढ़ा नहीं रहे, या फिर लोचा है इसलिए अपना हेल्थ को बढ़ा नहीं रहे, पता नहीं कहा है सर हेल्थ किट है ये नहीं। और अगर अभी बगल में अगर नेट फेंक देते हैं तो कनेक्ट तो हो ही जाएगा, हल्का सा डैमेज पड़ेगा और डैडी का पेट ही बन जाएगा। 16 खेला टीम का बहुत ही बढ़िया खेला देखा, आज घुस घुस के मारे हैं मास्टर वाला टीम, रवि वाला टीम, पचिंकी में उधर से पचिंकी को पहले खा लेके उसके बाद, अभी बहुत ज़्यादा लंबा फाइट चल रहा है यहाँ पर। अब जोन अट चुका है गैंगस्टर्स, अब क्या करेंगे, हील बैटल करेंगे, अब हील बैटल करते तो वही जीतेंगे क्योंकि डैडी के पास तो कोई हीलिंग ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया गए क्योंकि गोजरा ले गोजरा था उनके पास, तो अगर जाते तो शायद पेटी बन सकता था। बहुत ही बढ़िया गैंगस्टर्स को खेला दिखाएं और जीत गए क्योंकि उनके पास, तो एक बार फिर से किलचोर वाला टाइटल जाता है गैंगस्टर आसू को और लुटेरा वाला टाइटल जाता है अजीज खान को। तो बहुत बढ़िया गेम प्ले दोनों टीम से देखने को मिला, तो ऐसा गेम प्ले दिखाइए और आइए हम लोग का टीम में शाम को 7:30 बजे कस्टम रूम रोज होता है, मूवी देखिएगा जरूर। Legacy, family.